अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज दुबई का मौसम बहुत सुहाना है, तो इसलिए हम जो है वो आज थोड़ा बाहर निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, इस वक्त हम दुबई के मलिहा रोड के ऊपर जो है वो चढ़ चुके हैं और जा रहे हैं आगे की तरफ, जो कि ये रोड सीधा हत्ता बॉर्डर की तरफ जाता है, जहां से आप ओमान भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी आप देख लें, जैसे कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो बरस रही है और बहुत खूबसूरत वेदर है। तो इस वक्त हम हत्ता की तरफ जा रहे हैं और ये जो है वो मलिहा रोड कहलाता है, जो कि हत्ता शारजा से होता हुआ जो है हत्ता बॉर्डर को कनेक्ट करता है। हत्ता बॉर्डर जो है वो सामने ज़रा दिखाया अगर हमारे कैमरा मैन, तो हत्ता बॉर्डर जो है वो ओमान बॉर्डर के नज़दीक लगता है। और अगर हम इस रोड के ऊपर स्ट्रेट ऑलमोस्ट आई थिंक टू आवर जो है वो अगर ड्राइव करें, तो हमें हत्ता बॉर्डर जो कि ओमान का बॉर्डर है वो कनेक्ट करता है, और वहाँ से हम बाय रोड ओमान भी जा सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो हम वहाँ जाने की भी कोशिश करेंगे। कोविड की वजह से क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो बहुत मुश्किल है कहीं भी ट्रैवल करना, तो फिलहाल इन्हीं एरियाज से गुजारा करें। देखें ये सामने छोटे छोटे जो हैं वो हिल्स आ जाएंगे और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। और तो यहाँ के लोगों को जो है वो एक मौका चाहिए होता है, क्योंकि हर वक्त गर्मी रहती है और ठंड में जब बारिश हो जाए तो हर किसी को बाहर जाने का मन करता है। तो आप देख सकते हैं इस साइड पे जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब पानी आता है तो बहुत ज़ोर से पानी आता है, लेकिन जब यहाँ पे पानी आता है तो ये जो डेजर्ट है, आप देखिए डेजर्ट का कलर चेंज हो जाता है, डेजर्ट जो है वो रेडिश टाइप का हो जाता है। आपको मैं फिर एक और नई चीज़ दिखाऊँ, अभी ये रोड जो जा रहा है और आप सामने अगर देखें तो आपको एक कट जैसा फील होगा। ये कटी पहाड़ी नहीं है कराची की, कटी पहाड़ी भी ऐसी है, लेकिन ये जो है वो एक पहाड़ को काट के इन्होंने जो है वो रोड को जो है वो बनाया है। और आप राइट हैंड पे मैंने देखिए सारा जो है बादल आप देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बादल और भी ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आज और भी बारिश यहाँ पर है एक्सपेक्टेड। तो ये देखें, ये एक स्पॉट है इन्होंने बनाया है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और आप नीचे जाके देख सकते हैं, तो ये दो पहाड़ हैं जिनको कट करके ये रास्ता बना है, दो रोड बने हैं। और आप जो नीचे का व्यू देखेंगे तो वो तो जितना जितना आप ओमान के करीब जाते जाएंगे, हत्ता के करीब जाते जाएंगे, खूबसूरत वादियाँ आती जाएंगी। पहले तो बहुत ही ज़्यादा ये खुश्क हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो है वो बारिशों की वजह से काफ़ी माशाल्लाह से खूबसूरत हो गया है। देखें पहाड़ देखें आप, ये देखें
इस वक्त जो है वो हत्ता की तरफ हम आ चुके हैं। और हम हत्ता के पास आ चुके हैं। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है। व्यू सो ब्यूटीफुल। आप कहीं भी हैं यूएई में, ये कचरा है मेरा, आप देखें पूरा वीराना है, लेकिन एक डस्टबिन ग्रीन कलर का, वो उसके आगे आपको एक और नज़र आ रहा होगा ग्रीन, फिर आपको इस तरफ लाइन से ग्रीन 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 नज़र आ रहा है। देखें ये भी कचरा है, कम हो गया, थ्रो थ्रो इन साइड। फैसिलिटीज देखें, एक कचरा यहाँ है, एक बॉक्स वहाँ है, एक उससे आगे है, पूरी लाइन में कचरे ही कचरे के बॉक्सेस हैं यहाँ देखें। जबकि यहाँ पे कोई रिहाइश करीब करीब तक नहीं है, सब दूर रहते हैं यहाँ पे। जब आपको सुकून की तलाश हो तो हमेशा अपने ठिकानों से कुछ दूर निकल आना चाहिए, जहाँ पे आपको सुकून हो और तन्हाई हो। ये देखें, ये पाकिस्तानी टमाटर भी लग चुके हैं। फूलों का काम हो चुका है पूरा, उसके बाद जो है वो गमलों की बारी है। हेलो रिया, पुदीना